गांवों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त किए जाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेश ऐठानी ने बताया कि हर घर जल हर घर नल योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ठेकेदारी प्रथा शुरू करना चाह रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। प्रधानों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में ग्राम पंचायत को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही प्रधानों ने 200 दिन का रोजगार देने सहित प्रधानों का मानदेय भी बढ़ाने की मांग की। पेश है सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट। सर, हमारा पहले तो जल जीवन मिशन के तहत जो पूरे प्रदेश में हमारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश लेवल तक ये चल रहा है कि जल जीवन मिशन को ठेकेदारी प्रथा से हटाकर कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाया जाए और ग्राम पंचायत के माध्यम से ही जल जीवन मिशन का जो भी कार्य होने हैं वो ग्राम प्रधानों के द्वारा ही किया जाए। दूसरा हमारा एक ये भी था कि कोविड-19 में ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी मेहनत की गई और काफ़ी सहयोग प्रशासन को दिया गया, लेकिन आज तक कोविड-19 में किसी भी प्रधान को प्रवासियों के भुगतान नहीं हो पाया। जो प्रवासियों के व्यवस्था में खान पान में जो भी खर्चा लगा उसका भुगतान नहीं हो पाया। और तीसरा हमारा मनरेगा, ग्राम पंचायतों में मनरेगा बहुत अच्छी योजना चल रही है, लेकिन उसकी वर्तमान जो मजदूर भुगतान है 201 रुपये है कि 201 से भुगतान में इतने कम पैसों में आज की डेट में किसी घर की व्यवस्थाएँ नहीं चल सकती हैं। इसलिए हम उससे बढ़ोतरी की मांग करते हैं सरकार से कि वो 201 से कर ज़्यादा बढ़ा के 401 के कर दिया जाए, जिससे एक एक परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से हो पाए। और तीसरा हमारा जो जिला है उत्तराखंड, जो प्रदेश है वो ये पहाड़ी प्रदेश है और इन प्रदेश में सीढ़ीदार नुमा खेतों में ही आवास बने हैं। कई आवासों में आपदा के टाइम में, बरसात के टाइम में ये स्थितियां हो जाती हैं कि उनके आगे से आंगन की सारी दीवारें खिसक जाती है, या जमीन नीचे से खिसक जाती है, या पीछे से जमीन खिसकने लगती है, या साइडों से जमीन खिसकने लगती है। तो मनरेगा में ये चीज़ें जो सुरक्षा दीवार हैं भवन के आसपास के, वो सब नहीं किए जाते हैं। पहले से 2010 और 13 की आपदा में ये चीज़ थी, लेकिन अब नहीं है। विनोद कुमार टमटा, अध्यक्ष प्रधान संगठन विकासखंड बागेश्वर। आज हम अपने जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष माननीय श्री भूपेश ऐठानी जी के संयुक्त रूप से हमारे प्रधानगढ़ जिले के हम माननीय जिला अधिकारी जी से मिलने के लिए, और हमने उसमें जो जल जीवन मिशन पर यहाँ पर जो हमारा पूरा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम चल रहा है, पूरा प्रदेश संगठन इसके विरुद्ध की जो ठेकेदारी विरुद्ध के प्रति हमारे यहाँ पर इस लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि हमारी मांगें पूरी होंगी और जल्दी ही जो जो ठेकेदारी प्रथाएं हैं वे बंद होंगी। और दूसरे, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया था कि हमारे पास जो मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के संबंध में और ग्रामीण जो हम ये चाहते हैं कि जो सुरक्षा दीवारे हैं वो कम से कम उन परिवारों का आकलन किया जाए कि जो परिवार BPL परिवार के हैं, गरीब परिवार हैं, उन परिवार के जो मकान के आगे से आंगन की दीवारें टूट जा रही है, पीछे स्लैड है, तो कम से कम उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से हमने एक पत्र के माध्यम से दिया कि उस जिस परिवार के आंगन की दीवारें टूटी है कि उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए उसकी मनरेगा के तहत करने किसी अन्य किसी मद से भी उनकी दीवारें बनाने का कष्ट करेंगे। सर, सभी प्रधान आए हैं, हम अपने ग्राम प्रधान अपने अपने गांव से कि अपनी समस्या रखें जिला अधिकारी महोदय से कि जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है जो प्रधानों को ग्राम पंचायत को दिया जाए। और दूसरा है, मनरेगा में मजदूरी कम मिल रही है, 200 रुपये में नहीं हो रहा है, 400 रुपया किया जाए। और प्रधानों की जो समस्या ये है सर, 1500 में उनका मानदेय जो है वो नहीं हो रहा है, उनके साथ दूर दूर से आ रहे हैं, 1000 रुपये तो उनका टिकट ही बन रहा है। ये है कि 15000 रुपया उनका मासिक वेतन किया जाए।